फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे अगर आपने स्किप कर दिया तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। मैं आपके लिए रात में ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है। आप देख सकते हैं रात के 12:04 हुए हैं और 10 फरवरी 2024 है। जब तक मैं इसको अपलोड करूँगा रात के 1 से 1.5 बज चुका होगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर स्पेशल एफर्ट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा हूँ तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इसके बारे में सभी वीडियोस दी जाएगी जो भी आप इसके बारे में आगे अपडेट पाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर आप इस फॉर्म से जुड़ी हुई सभी जानकारी चेक करेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन फीस क्या है और फिर यहां पर आपके स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक यर फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस के अंदर फिर से फीस की जानकारी आएगी, विदाउट लेट फी और लेट फी के साथ में क्या फी आपको पे करनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने इस तरह से प्राइवेसी नोटिस आएगा, अब आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। एंड देन अब आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप जो भी फिल कर रहे हैं ये 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको भरनी है। तो जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर दीजिए। आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है, फिर आप यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसको भी दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन फिर आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। जो भी ईयर है पहले आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे, देन इसको दोबारा से सेलेक्ट सेम वे में सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। ये वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे ईमेल आईडी, तो आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दे। एंड देन जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा, आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आप यहाँ पर कोई भी एक ओटीपी डाल दीजिए एंड फिर आप वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। एंड उसके बाद में नीचे एक कैप्चा कोड फिल करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है। अभी आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन इस तरह से एक ये लाइन देखने को मिल रही होगी, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से लोडिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। एंड वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी आ जाएगी। अब कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट डोमिसाइल आप यूपी के निवासी है या फिर अदर देन यूपी, अगर यूपी है तो यूपी सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर जैसे कि पूछा है कि 10th पास फ्रॉम यूपी, क्या आपने 10वीं यूपी से पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आपने उत्तर प्रदेश से 12वीं पास की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। ग्रेजुएशन आपने यहाँ पर यूपी से की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जनरल ओबीसी एससी एसटी वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी है तो आपसे पूछे कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मैंसन होगा, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो आप देखेंगे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर पूछा है, तो जो आपका जन्म जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसके ऊपर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर जैसे कि अगर ओबीसी है तो ओबीसी में भी ये चीज आपको देनी होगी। और इसके बाद में आपसे पूछा कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप यानी कि दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आईडी प्रूफ में आपको कोई एक आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है, अगर इनमें है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक कर दे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और कम्युनिकेशन डिटेल
डिटेल्स देखेंगे जिसमें कि आपको एड्रेस की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी दी गई है, अगर आप कोई अन्य ईमेल आईडी रखते हैं तो आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है एंड उसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको देना है। इसके बाद जो आपका एड्रेस है वो आप लाइन फर्स्ट 2-3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख देंगे। स्टेट यहाँ पर आपकी जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। फिर आता है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर अलग अलग है तो आप नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जानकारी देखेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर गाइज डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए और साइज क्या रहना चाहिए। तो साइज यहाँ पर 25 से 50 KB के बीच में फॉर्मेट JPG और डायमेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका सिग्नेचर का साइज भी यहाँ पर जो रखा है वो 50 KB से कम होना चाहिए। प्लीज़ अपलोड योर लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन इमेज। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इंडेक्स फिंगर का जो इंप्रेशन है वो अपलोड करना होगा। क्या होता है मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ, पहले आप यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड कर लीजिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ करना है, फिर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपका जो फोटो अपलोड हुआ है उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सेम वे में जहाँ पर भी साइन की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है एंड देन यहाँ से आपको ओपन करना है और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब आता है आपका जो लेफ्ट एंड राइट हैंड का इंडेक्स इंप्रेशन है वो, तो ये क्या होता है पहले आप वही देख लीजिए। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपकी जो हाथ की पहली उंगली होती है ये वाली जो आप देख पा रहे हैं इसी को इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये इंडेक्स फिंगर होती है, मिडिल फिंगर होती है, ये रिंग फिंगर होती है, इसको लिटिल फिंगर कहा जाता है। तो ये जो आपकी पहले वाली उंगली है ये आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और पहले आपको लेफ्ट हैंड और फिर राइट हैंड दोनों की इस तरह से लगा देनी है जैसे कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं एंड उसके ऊपर इमेज के ऊपर लगाने के बाद में उस इमेज को आपको स्कैन करना है और फिर स्कैन करने के बाद में आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आता है आपका OBC SCST सर्टिफिकेट, अगर आप इस फॉर्म को SCST OBC से भर रहे हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा और ये आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। जो इसके पहले का होगा 1 अप्रैल 2021 तो वो यहाँ पर रिजेक्ट कर जाएगा यानी कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आता है प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ 10th, 12th UG मार्कशीट और सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड फ्रॉम बोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रॉम UP और बिलोंग्स टू UP। बेसिकली आपको यहाँ पर आपका 10th का 12th का और जो आपकी UG मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है तो आपको सभी जो आपका 10वीं का 12वीं का और जो आपकी डिग्री की मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो आपको एक इमेज एक PDF के अंदर अपलोड करने हैं। जैसे कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको उनको इमेज के रूप में फोटो ले लेना है यानी कि उनको इमेज कर लेना है मोबाइल से एंड उसके बाद में गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF और ये सर्च करने के बाद जो पहले वाली वेबसाइट आएगी और ये आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद जो भी इमेज आपने रखे हैं वो इमेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं 4-5 ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ तो इस तरह से वो आ जाएंगे। आप इनको क्रम संख्या में पहले 10वीं फिर 12वीं फिर जो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो और उसके बाद सर्टिफिकेट इस तरह से उनको एडजस्ट कर देना है और ये करने के बाद में आप कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर PDF आ जाएगी, वो PDF फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आता है क्लिक हियर टू अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ, तो यहाँ पर है स्कैंड कॉपी ऑफ एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पर जो आपका आय प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना है और ये आपका 1 जुलाई 2023 के बाद का होना चाहिए, जिसका इसके पहले का होगा वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो वो फाइल आप सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फिर आता है प्लीज़ अपलोड स्कैंड कॉपी ऑफ अदर फोटो ID प्रूफ। यहाँ पर गाइज अगर आपने अदर का सेक्शन सेलेक्ट किया है तो फिर जो आपके पास अन्य ID है जिसमें कि आधार कार्ड भी हो सकता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है एंड देन फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है तो आप यहाँ पर स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर BEd ये देख सकते हैं। तो इसमें स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर BEd में आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस एग्रीकल्चर जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्लीज सेलेक्ट द लैंग्वेज यू वॉन्ट टू अटैम्प्ट इन लैंग्वेज सेक्शन फॉर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, तो आप किस लैंग्वेज में आपका जो ये पेपर है वो देना चाहते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो 10th का बोर्ड आपको
सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर आपके मार्क्स ऑब्टेंड क्या थे, यानी कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की थी, वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो गाइज आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं PDF का भी है और इमेज का भी है। तो जहाँ पर भी आपका फॉर्मेट है वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। एंड देन आपको 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भरनी है। पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट कीजिए, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं और कितने में से आए थे मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे। फिर किस साल के अंदर 12वीं पास की वो सेलेक्ट कर लेंगे और जहाँ पर आपका 10th का 12वीं का सर्टिफिकेट है वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन करके अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन डिटेल। नोट करके बोला है कि ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक एवं परास्नातक के अंतिम वर्ष में है, यदि आपके पास अंतिम वर्ष का रोल नंबर नहीं है तो रोल नंबर के स्थान में अपने द्वितीय अथवा पिछले वर्ष का रोल नंबर भर सकते हैं। तो ये उनको जानकारी दी गई है। अब आपको बताना है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अगर हाँ तो आप पास के ऊपर टिक करेंगे, कर रहे हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करके आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन है वो सेलेक्ट कर लेना है, अगर इनमें है तो वो, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से उसका नाम भर देंगे। एंड देन फिर यहाँ पर आता है हैव यू डन बीएड बीटेक, क्या आपने बीटेक किया है। माफ़ी चाहूँगा कि क्या ये सवाल है कि क्या आपने बीटेक किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, अगर नो तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद में नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने किया उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर रोल नंबर एंटर कीजिए, जो भी आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है। आपको यहाँ पर बोला भी है कि अगर आप यहाँ पर अंतिम वर्ष के अंदर है तो आप यहाँ पर अंतिम वर्ष या फिर उससे पिछले वर्ष का रोल नंबर भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर। एंड फिर यहां पर ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपको बताना है कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली है। फिर आपको मार्क्स ऑब्टेंड बताने हैं, मैं एग्जांपल के लिए नंबर यहां पर फिल करके आपको दिखा रहा हूं, और ये नंबर आपको कितने में से आए थे वो आप यहां पर एंटर कीजिए, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहां पर जो सर्टिफिकेट है आपका या फिर आपकी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। बेसिकली आपको यहां पर आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, सर्टिफिकेट आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो जहां पर भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। एंड देन यहां पर आप वो इस तरह से अपलोड कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर वेटेज डिटेल आती है। आपको वेटेज डिटेल के संबंध में यहाँ पर नोट करके जानकारी भी दी है, जैसे कि दी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम क्लास A2F विल बी वैलिड ओनली इफ इश्यूड बाई दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंशनड इन दी सर्टिफिकेट। तो आपको उसके बारे में यहाँ पर वेटेज की जानकारी दी गई है और किसके लिए कितने नंबर मिलेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपने राष्ट्रीय राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, अगर लिया है तो आप यस करेंगे और इसके बाद में आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं लिया है तो आप यहां पर नो कर देंगे। अगला सवाल है कि क्या आप नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजन के अभ्यर्थी है, अगर आप है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। एंड उसके बाद में क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। फिर सवाल आता है कि क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी है या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में संबंधित है या ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जो अपंग लापता या मर्त हो से उनके पुत्र पुत्री पत्नी के रूप में संबंधित है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अगला सवाल है कि क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या PAC या BASF या SSB या ITBP या CRPF या होमगार्ड में सेवावृत्ति है अथवा ऐसी सेवा के दौरान मर्त या अपंग हो गए हैं तो आप इसमें यस करेंगे, अगर आप इससे बिलोंग करते हैं नहीं तो नो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर आपकी जो प्रेफरेंस एंड पेमेंट की जानकारी है वो देनी है। तो आप यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए कि पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं, फिर सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में तीसरी चॉइस आपको किसको देनी है वो सेलेक्ट करना है, फोर्थ चॉइस आपको किसको देनी है, फिफ्थ चॉइस किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सभी सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फीस का अमाउंट, अब आपको पेमेंट किस माध्यम से जमा करना है। तो यहाँ पर मैं बिल डेस्क HDFC की सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये जो कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर आएगा ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और ये भरने के बाद में आप
यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोसीड कीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। तो आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आज आती है फीस को जमा करने में, तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है, 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फ़ीस अपडेट होगी या फिर आपको रिफंड की जाएगी। सो गाइज, इस तरह से आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके